काबुली चने में बन रही तेजी। दरअसल स्टॉक तंगी और बिजाई के लिए मांग निकलने से इन दिनों स्थानीय थोक मंडियों में काबुली चने की कीमतें लगातार उछल रही हैं। 2 से 3 सप्ताह के दौरान काबुली चना 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया है। रॉयल चॉइस काबुली चने के भाव थोक में 132 रुपए किलो तक पहुँच गए हैं। गौरतलब है कि काबुली चने की फसल मंडियों में आए हुए करीब 8 महीने बीत चुके हैं। काबुली चने के उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र आदि में किसानी माल की आवक तकरीबन समाप्त हो गई है। वर्तमान में सिर्फ स्टॉक के माल बिक रहे हैं। दूसरी ओर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नए काबुली के भाव काफी ऊपर देखने को मिले हैं। राजधानी कृषि उपज मंडी में कारोबारियों का कहना है कि गत सीजन में काबुली चने की नई फसल आने पर पुराना स्टॉक बहुत कम बचा था। दूसरी ओर इस बार भी फसल सामान्य से 6 लाख टन घटकर 14 लाख टन के करीब ही आई है, जबकि घरेलू खपत 24 लाख टन है। और आपको बता दें कि नया काबुली मार्च अप्रैल से पहले बाजारों में नहीं आएगा। उधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चालू माह में ही काबुली चने की बिजाई शुरू होने वाली थी, मगर खेतों में पानी होने से बिजाई में विलम्ब हो रहा है। सूडान, ईरान, टर्की, मैक्सिको और कनाडा से काबुली चने का आयात होता है। इस बार उक्त उत्पादक देशों में भाव काफी ऊपर हैं, लिहाजा आयात पड़ता नहीं लग रहा। इसे देखते हुए काबुली चने में फिलहाल मंदी के आसार नहीं हैं। उधर महाराष्ट्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां से स्टॉक का माल काफी मात्रा में निकल चुका है। इंदौर भोपाल लाइन का काबुली निर्यात के साथ साथ बिजाई में भी जा रहा है। कनाडा में भी इस बार फसल कमजोर बताई गई है और पुराने स्टॉक की बात की जाए तो पुराना स्टॉक 9 के बराबर है, लिहाजा कहा जा सकता है कि काबुली चने में मजबूती बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।